नमस्कार, डीएनएन एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव सांप सीढ़ी का खेल हो गया है। कल तक जो जीत की कगार पर था वो अब रेस से बाहर हो गया। ऐसा एक नहीं, कई दावेदारों के साथ हुआ। राजस्थान में हुआ बवाल गहलोत पर भारी पड़ा। कमलनाथ ने खुद इनकार कर दिया, मगर दिग्गी राजा क्यों रेस से बाहर हो गए ये किसी को समझ नहीं आया। आलाकमान ने दिग्गी से ज्यादा मल्लिकार्जुन खड़गे पर भरोसा क्यों जताया? सवाल तो कई हैं। तो कांग्रेस में नए अध्यक्ष के चुनाव में हर पल नए ट्विस्ट और टर्न आते जा रहे हैं। पहले अशोक गहलोत, फिर दिग्विजय सिंह रेस में सबसे आगे दिखने के बाद भी दौड़ से बाहर हो गए। मल्लिकार्जुन खड़गे की अचानक से हुई एंट्री ने सबको पीछे छोड़ दिया। अब माना जा रहा है कि अगर कोई और ट्विस्ट नहीं आया तो खड़गे ही पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। 51 साल बाद पार्टी को एससी वर्ग का अध्यक्ष मिलेगा। चर्चा करेंगे इस कांग्रेस में मची नूरा कुश्ती की कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में जो पहले थे वो 100 के पहले ही 1 पर आ गए, और जो 1 पर था या जिसका नाम नहीं था वो टॉप पर पहुंच गया। लेकिन अभी भी बहुत गुंजाइश है, क्योंकि नाम नॉमिनेशन या नॉमिनेशन के फॉर्म वापस लेने की तारीख अभी बाकी है। उस दिन क्या होता है? शशि थरूर अभी मैदान में डटे हुए हैं। क्या वास्तव में फिर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट फ्रेंडशिप में बदल जाएगा या फिर कुछ और होगा? चर्चा इसी पर करेंगे। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले देखेंगे रिपोर्ट। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में हर पल नए मोड़ आ रहे हैं। अशोक गहलोत की दावेदारी से हटने के बाद ये भी माना जा रहा था दिग्विजय सिंह और शशि थरूर मैदान में हैं और रेस में सबसे आगे दिग्गी राजा बने हैं। दिग्गी राजा ने बाकायदा नामांकन पत्र भी खरीद दिए। प्रस्तावकों की लिस्ट तैयार कर एमपी में कांग्रेस विधायकों को बुला लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर ऐन वक्त पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और मैदान में उतरने के लिए ताल ठोक दी, और फिर दिग्गी राजा ने चुनाव लड़ने से अपने कदम पीछे खींच लिए, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे छुपे रुस्तम साबित हुए। लेकिन दिग्गी राजा के बैकफुट पर जाने के पीछे की वजह किसी को समझ नहीं आई। माना जा रहा है उनके विवादित बयान ही उनके लिए मुसीबत बने और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस से सबसे आगे होते हुए भी बाहर हुए। मैं नहीं जानता कि मेरी 8:30 बजे की बात कोई बात नहीं हुई, किसी से मैंने बात नहीं करी क्योंकि आवश्यकता नहीं थी, और जो मेरा वोट है खड़गे जी को जाएगा। उन्होंने कहा क्योंकि खड़गे जी भर रहे हैं तब वो वरिष्ठ हैं, राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं नॉमिनेशन नहीं भरूंगा क्योंकि खड़गे जी भर रहे हैं, मैं उनके घर जा रहा हूं और मैं उनका साथ दूंगा। मैंने उनको बधाई दी, ये बात मेरी सुबह उनसे करीब 8:30 बजे बातचीत हुई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे से दिग्विजय सिंह ने सुबह मुलाकात की और ऐलान किया, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, प्रस्तावक बनूंगा खड़गे का, और भी बने। प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं, तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूं, आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता हैं, मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता, लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। खड़गे ने नामांकन दाखिल किया, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज उनके प्रस्तावक बने, G23 के नेता उनके समर्थन में आए, वहीं शशि थरूर ने नामांकन दाखिल किया। झारखंड के कांग्रेस नेता KN त्रिपाठी भी मैदान में हैं।
हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में पीस को लेकर सज्जन सिंह वर्मा ने पहले ही बता दिया था। देखिए साहब, मैं तो राहुल गांधी, ये ना राहुल गांधी, ये जितने हैं ना, दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक, फला ढिमके, जनरेटर कहाँ है जहाँ बिजली पैदा होती, राहुल गांधी वहाँ से इनको करंट मिलता तब ये चलते हैं। तो असली जो जनरेटर है उस आदमी को ही देना चाहिए। कमाल की बात तो ये है, कमलनाथ को दिग्गी राजा शुक्रवार सुबह कॉल पर नामांकन न करने की बात बताते हैं, जबकि सज्जन सिंह वर्मा एक दिन पहले घोषणा कर देते हैं। हालांकि बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के रेस से बाहर होने पर कमलनाथ की इसे साजिश करार दिया है। कमलनाथ जी बहुत वरिष्ठ नेता है, उनकी चक्की धीरी चलती है पर पीसती बहुत बारीक है, और 10 जनपद में अंदर तक पैठ है, वो राजा को बनने ही नहीं देंगे। मैंने ये कहा था, मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि वो दिग्विजय, अब वो एक प्रदेश के अध्यक्ष और उनका सो कॉल्ड छोटा भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष, संभव है क्या? वो होने ही नहीं देंगे, वो चाल इतने सारे प्रदेशों में एक प्रदेश की, और वो राष्ट्र का अध्यक्ष, इसलिए वो कभी दिग्विजय सिंह जी को नहीं बनने देंगे, और आप परिणाम देखना, वो नहीं बनने देंगे। संशय क्या, मेरे मान्यता तो खरीदा था तभी ये थी कि नहीं भर पाएंगे। उनकी जो मंशा थी कमलनाथ जी की, कल उनके सबसे विश्वस्त सहयोगी आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा स्पष्ट कह चुके थे, और इसलिए कमलनाथ जी का कोई भी विधायक आपने देखा होगा, जो कल विधायक गए हैं फार्म पे दस्तखत करने, कमलनाथ जी के गुट का कोई विधायक नहीं गया। अब देखना होगा कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन बनता है, क्योंकि बनते बिगड़ते समीकरणों के बीच क्या ट्विस्ट आएगा कोई नहीं जानता। हालांकि कई नेता इसलिए भी चुनाव में हटे हैं क्योंकि सभी को पता है राष्ट्रीय अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद किसी कांटों से ताज में कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN। चलिए सीधी चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल है, उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी, भाजपा से गीत धीर जी, और कांग्रेस से सिद्धार्थ राजावत जी। राजावत जी, पहले बड़ी उम्मीदें, आशा और विश्वास और लगा कि अब मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा, क्या लगता है एकदम से यू टर्न दिग्विजय सिंह जी का, कैसे देखेंगे इस सबको? देखिए, ये स्पष्ट है, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने साफ बोला कि मैं जब खड़गे जी से मिलने गया तो उनकी इच्छा उन्होंने जाहिर की, और चूंकि खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो उसके हिसाब से उनको वरिष्ठता के हिसाब से माननीय कमलनाथ जी ने भी अभी बोला, आपने सुना होगा उनका, और दिग्विजय सिंह जी ने उनका सम्मान रखते हुए अपना फॉर्म वापस लिया है। कांग्रेस पार्टी की परंपरा है, हमेशा बड़ों का सम्मान करती है। हमारी पार्टी के अंदर हमारे यहाँ अध्यक्ष संघ द्वारा नहीं थोपा जाता है, सबके विचार और लोकतंत्र के अंदर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है उसके तहत हमारे यहाँ चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है दिग्विजय सिंह जी के नाम पे। दिग्विजय सिंह जी वो कील है जिसके दिमाग में घुसते हैं तो स्क्रू बन के निकलते हैं, इसलिए उनको खतरा है। आज भाजपा जो चिल्ला रही है, जो उनके नाम के ताशे बजा रही है, तो उनको यही दिक्कत है। अगर दिग्विजय सिंह अध्यक्ष बनते हैं तो दिक्कत है, नहीं बन रहे तो दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को। आप देखिए किस प्रकार से बयान दिए जा रहे हैं। अभी आपने हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का आपने सुना कि उनको साजिश से हटाया गया, उनको तो पहले ही मालूम था, और ये बात कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की आपस में फोन पे वार्तालाप भी हुई है और सबने सहमति से, और जो आप सो कॉल्ड G23 बोलते हैं, उन सबने सहमति जताते हुए खड़गे जी का नाम प्रस्तावित किया है, बड़े बड़े हमारे राष्ट्रीय लेवल के नेताओं ने। अच्छा, दिग्विजय सिंह जी ने एक बात और कही थी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वहाँ दिल्ली में, तो कहना था उनका कि हमें जानकारी लगी मीडिया के माध्यम से कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी इच्छुक हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की दावेदारी के लिए। इतने बड़े सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह जी भारत जोड़ो यात्रा का पूरा काम धाम संभाल रहे हैं, गांधी परिवार के इतने निकट हैं, तो बड़े नेताओं में क्या बातचीत नहीं होती क्या?
सिद्धार्थ जी ये बात आपको भी मालूम है ब्रजेश जी के माननीय दिग्विजय सिंह जी विगत 10-15-20 दिन से एक महीने से करीब भारत जोड़ो यात्रा में शुरू से लगे हुए थे, तैयारियों में लगे थे, तो व्यस्तताओं के कारण कई बार होता है कि वरिष्ठ नेता आपस में बात नहीं कर पाते। शशि थरूर जी के साथ फोटो तो आई थी उनकी, एक सुनिए CWC की मीटिंग होती है, बाकायदा सब मिलते हैं, बैठते हैं, विचार करते हैं और अब पार्टी के हित के लिए सब अपने अपने विचार रखते हैं और सबकी सहमति होती है। ऐसा नहीं है कि मेल मुलाकात या आपसी बातचीत नहीं होती, सब होती है। पर चूंकि अभी राहुल गांधी जी की निरंतर यात्रा चल रही है, आपने भी देखा होगा कि माननीय दिग्विजय सिंह जी कंटिन्यू यात्रा में सम्मिलित थे और चल रहे थे। ठीक बात है। चलिए गीत धीर जी से भी पूछ लेते हैं। गीत धीर जी, दिग्विजय सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते बनते खुद पीछे हट गए दो कदम, क्या लगता है कैसे देखेगी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता इस पूरे घटनाक्रम को? हालांकि अपोजिशन पार्टी है आपकी, तो नजर तो बनाए रखना पड़ेगा ना। देखिए, वैसे तो कांग्रेस का ये अंदरूनी विषय है और बहुत समय के बाद में कांग्रेस में कहीं एक नए जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, इससे कहीं एक उम्मीद कांग्रेसियों को जगी थी कि शायद कुछ नया हो पाए। दिग्विजय सिंह जी वैसे एक अनुभवी नेता है, देखिए मध्य प्रदेश के जो है पूर्व मुख्यमंत्री जी भी रहे हैं, लेकिन इस दृष्टिकोण से ये नहीं कहा जा सकता कि उतने योग्य हैं कि नहीं है। क्योंकि देखिए, जब कमलनाथ जी से पूछा गया कि सुना है दिग्विजय सिंह जी भी पर्चा भर रहे हैं, तो उन्होंने कहा तो उनसे पूछो। अब देखिए, भले ही आपका कोई प्रतिद्वंदी हो या आपकी उसके प्रति अच्छी भावना हो और बुरी भावना, दोनों की बात मैं कहता हूँ, लेकिन आप एक मैसेज जब पत्रकार कोई पूछेगा तो निश्चित रूप से एक पार्टी में है तो आप यही बोलते हैं, हाँ अच्छी बात है, अगर वो भर रहे हैं तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ। इस प्रकार की कोई बात दिग्विजय सिंह जी के प्रति जो है वो कमलनाथ जी ने व्यक्त तो करी नहीं, तो इससे सबसे पहली बात तो ये साफ जाहिर होती है कि कमलनाथ जी जो अभी उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वही उनके खिलाफ हैं। यानी कि जो व्यक्ति अपने घर वालों को अपने साथ लेकर नहीं चल सकता, वो देश वालों को या अपने साथ लेकर चलेगा? दिग्विजय सिंह जी के ऊपर भी प्रश्न है और कमलनाथ जी के ऊपर भी और पूरी कांग्रेस पार्टी के ऊपर। जहां तक के बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आती है और हमारी नजरें बनाए की आती, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कांग्रेस में कितनी बुद्धि और उन्होंने क्या किया था इतिहास गवा रहा है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से विपक्षी मजबूत हों इस दृष्टिकोण से उनके लिए भी हितकारी रहता कि नया अध्यक्ष आए। अब जहां तक के दिग्विजय सिंह जी के स्वयं अपनी मर्जी से वापस लेने की बात आती, तो इसमें भी दाल में कुछ काला लग रहा है। क्योंकि देखिए, कल उनके पुत्र ने जो है ट्वीट डाला था, ट्वीट में उन्होंने फोटो में प्लेन में जब बैठे थे तो उनके साथ में कुछ उनके और भी साथीगण भी जो है ट्रैवल कर रहे थे और उनके चेहरे की मुस्कान साफ बता रही थी, अब तो बिल्कुल हमने अध्यक्ष पद हासिल कर ही लिया है। लेकिन सुबह सुबह दिग्विजय सिंह जी को क्या पता था कि वहां जाके शायद एक और बम गिरेगा, या हो सकता है ये बम की कोई बात ही ना हो। क्योंकि कांग्रेस में हम देखते आए हैं कि जो ये लोग कहते हैं वो होता नहीं है। जैसे असलियत इन लोगों ने अभी युवा मोर्चे के अध्यक्ष बनाने की जब करी थी तो बोला था कि हम वोटिंग करवाएंगे डिजिटल फॉर्मेट में, तो सबने देखा कि डिजिटल फॉर्मेट में ना इनके फॉलोअर्स हैं और ट्विटर की और फेसबुक की और इंस्टाग्राम की हकीकतें सबके सामने आ गई थी। तो ये लोग कहते कुछ है और होता कुछ है। सदस्य बनाने के समय पे भी यही हुआ था, हालांकि मेरे भाई बड़े भाई सिद्धार्थ जी बहुत लगे रहे, मैंने ये देखा है, निष्ठा पूर्वक कार्य किया इन्होंने सदस्य बनाने के लिए, लेकिन बाकी पार्टी नहीं कर रही तो क्या कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस का जो कहना है और जो करना है उसमें बहुत अंतर है। तो मुझे तो अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं सोनिया जी की मर्जी से ही जो है वो डमी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है चयन किया जाएगा और दिग्विजय सिंह जी को कहीं ना कहीं बोल दिया कि तुम नहीं भरो। देखिए, एक वरिष्ठ व्यक्ति को इस प्रकार से जिसको अनुभव है क्यों रोका जा रहा है? या तो ये ऑलरेडी तय था और घूम फिर के अभी भी जो है, मैं बोल रहा हूँ कि अभी तो दाल में कुछ काला लग रहा है, कहीं पूरी दाल काली ना हो जाए, राहुल गांधी जी कोई कहीं जुड़े हुए हमारे साथ उन्हीं से समझ लेते हैं। देवदत्त जी, दाल में काला है कि पूरी दाल काली है? राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर एक सप्ताह पहले कुछ सुगबुगाहट हुई थी और उसके बाद लगा था कि कोई बनेगा राजस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष, पता चला कि फिर वो मध्य प्रदेश को मिलने वाला है, और अब तो ये आलम है कि ना मध्य प्रदेश के हाथ कुछ लगा ना राजस्थान के हाथ कुछ लगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक। देखिए, राजनीति में एक ये नया ट्रेंड भी शुरू हुआ है कि जिसका नाम चलता है पीछे रह जाता है और कोई अननोन चेहरा आते हैं। बीजेपी में हम देख रहे हैं, चाहे लोकसभा अध्यक्ष का नाम हो, मुख्यमंत्रियों के नाम हो, नया ट्रेंड है ये। कुछ लोग तो जबरदस्त खुशियों में रखने अपना चलवाते हैं, लेकिन जो तरीका हुआ है कि वो ऐसे लोगों को बनाया जाता है जो अपने हो, नए हो, जो नेतृत्व के प्रति हमेशा आस्थावान रहे, उनके
आगे ना निकले, बहुत सारी चीजें राजनीति में गुणा भाग है। राजनीति में तो सबसे ज्यादा ये हुआ कि धोखेबाजी का दौर हुआ कि जिसने बनाया जैसे तो ऐसा बहुत सारा खेल भी हुआ भी में। इसीलिए बीच में एक ट्रेंड ये भी है कि लोग सरकारवाद को मत देने लगे, कम से कम ये तो अपना रहेगा। तो जो कांग्रेस की राजनीति है उसमें कुछ ऐसा भी हुआ कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना नहीं चाहता, जैसे कमलनाथ है, यदि वो शुरू में सहमत हो जाते तो शायद वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते। लेकिन वो कैसे सहमत हो जाते, उनको तो मध्य प्रदेश से बहुत ज्यादा लगाव है। वो तो हम मध्य प्रदेश में खूंटा गाड़ के बैठ गए, उनको एक प्रतिशोध की ज्वाला में है वो, फिर उनकी सरकार गिराई गई थी, उनको 23 में सरकार बनाना। और वैसे हम बताएं कि दिल्ली में अभी किसी को स्पेस नहीं है राजनीति करने का, किसी भी दल के किसी नेता को। तरह से चल रहा है राष्ट्रीय स्तर पर सिनेरियो, उसमें छत्रप नेता जो जागरूक है या जो समझते हैं जो अपनी उपयोगिता बनाए रखने तो प्रदेश में संभावनाएं बनती है, राष्ट्रीय स्तर पर तो भाजपा के नेताओं को। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम देवदत्त जी कि दिग्विजय सिंह बड़े लाव लश्कर के साथ मैदान में उतरते हैं, पहले बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर खेलते हैं और बाद में पता नहीं कि एकदम से सुबह उठते ही क्या हो जाता है कि बैक फुट पर आ जाते हैं, और उनका ये बयान कितना सही माना जाए कि वो कह रहे हैं कि उन्हें मीडिया के जरिए ये जानकारी मिली कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। देखो दिग्विजय सिंह बहुत चतुर नेता है और बहुत पकड़ रखते हैं, उनको रात में ही पता चल गया होगा, उन्होंने सुबह मीडिया को बुलाया होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि उनको मीडिया से पता चल गया, उन्होंने सूत्रों से ही पता चल गया होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला था। वो जिस तरीके से गए थे और नेहरू गांधी गांधी परिवार से जिसको संकेत दे देगा उसके खिलाफ चुनाव जीतना भी बड़ा मुश्किल है किसी को, तो वो क्यों लड़ेंगे चुनाव। और हो सकता खटके के नाम पे वो सहमत हो गए तो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष दिग्विजय सिंह उसके लिए बन जाए। चलिए ओवरऑल जैसे नामांकन हो गए हैं देवदत्त जी, अभी 4 तारीख तक वापस लेने की भी कवायद है, तो अभी तो 2 धुरंधर मैदान में हैं, एक को G23 के कुछ नेताओं का सपोर्ट है, पूरे का नहीं कह सकते क्योंकि उनमें से भी कुछ समर्थक हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के, प्रस्तावक बने हैं, तो अब ऐसे में क्या माना जाए कि जो दूसरे दावेदार हैं वो क्या वापस ले लेंगे। अब देखिए ये तो तय हो गया कि मध्य प्रदेश राजस्थान इस रेस से बाहर हो गया, क्योंकि आज लास्ट था फॉर्म नामांकन का, अब दक्षिण का बनना है। तो यदि सब समर्थन में आ गए हैं कांग्रेस पार्टी के, G23 के भी कुछ नेता खटके के समर्थन में है, तो मुझे लगता है खटके ही अब राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, अब दुविधा कम बची है जिस तरह से उनका पूरा बैकग्राउंड है। नहीं कांग्रेस है एन मूवमेंट पे, ऐसा ना हो कि पूरे तख्ता पलट हो जाए फिर पता चले कि बहुत सारे नेता तो इस उम्मीद को लगाए बैठे ही होंगे। नहीं अब उम्मीद आपको 2 में से फैसला होना है तो शशि थरूर के पाले में भी गेंद है, अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि शशि थरूर अलग थलग पड़े हैं। नहीं मुझे लगता है कि शशि थरूर अब या तो फॉर्म निकाल लेंगे या वो भारी बहुमत से हारेंगे भी, क्योंकि गांधी परिवार की हरी झंडी खड़के को है और दिग्विजय सिंह और बाकी कमलनाथ साहब गहलोत ये सब जुटेंगे, जो वोट है सब खड़के के पास जाएंगे। और दक्षिण में पार्टी अपना प्रभाव जमाना चाहती तो खड़के बहुत पुराने नेता है। ठीक बात। चलिए सिद्धार्थ जी, कमलनाथ जी का बयान और उसके बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान कि कमलनाथ तो कभी बनने ही नहीं देंगे दिग्विजय सिंह जी को अध्यक्ष, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो सुबह ही दे दिया था उन्होंने, तो पहले से जानकारी थी क्या डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को कि फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे दिग्विजय सिंह। देखिए मिस्टर इंटरनेशनल है वो नरोत्तम मिश्रा जी, उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पे ज्यादा रुचि रहती है। सर्वप्रथम अपना घर देख लें, नरोत्तम मिश्रा जी जिनके घर में आग लगी हो वो दूसरों के घरों पे जाके पानी फेंक के आग बुझाने की बात कर रहे हैं। अरे नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और एक खुद अभी बीडी शर्मा नरोत्तम मिश्रा जी और एक विजय वर्गीय जी भाजपा जो आपस में लगे मुख्यमंत्री की दौड़ में गुटबाजी की बात कर रहे हैं। अरे पहले अपने घर की गुटबाजी देखें, पहले अपने घर में जो आग लगी है पहले उस आग को बुझाएं,
फिर जाके दूसरों की बात करें, माननीय दिग्विजय सिंह जी की बात करें। दिग्विजय सिंह जी के पासन भी नहीं है नरोत्तम मिश्रा जी। जिस समय नरोत्तम मिश्रा जी चड्डी पहन रहे थे उस समय पे वो मुख्यमंत्री थे। जिस समय नरोत्तम मिश्रा जी बसों की 20-20 रुपए की टिकट काटते थे उस समय वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं। और हमेशा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दिग्विजय सिंह जी का नाम लेने से अंतर्राष्ट्रीय नेता नहीं बन पाएंगे। आप पहली बात तो ये समझिए। दूसरी बात, मेरे प्रिय भाई अभी बोल रहे थे धीर जी कि युवा मोर्चा, तो कांग्रेस के अंदर युवा मोर्चा नहीं है, हमारी बाल कांग्रेस है, NSUI है, यूथ कांग्रेस है जिसकी सदस्यता चली। तो पहले तो आप अपने शब्दों को थोड़ा सुधारिए, कांग्रेस के अंदर युवा मोर्चा नहीं है, युवा मोर्चा आपके यहाँ है। नरोत्तम मिश्रा जी के बयान पर तो आपने बड़ा तीखा जो है अपना उत्तर दे दिया। अभी सज्जन सिंह वर्मा को भी आपने सुना, सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कोई कुछ नहीं है, चाहे खड़गे हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कोई हो, जनरेटर राहुल गांधी ही है। हाँ, क्या गलत बोला? आज की डेट में हमारे जो राहुल गांधी जी है जो 3500 किलोमीटर की यात्रा चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं 3500 किलोमीटर की, तो आज रियली में जनरेटर है वो। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से कुछ नहीं होना, फिर चलाएंगे राहुल गांधी, ऐसा है क्या? ऊर्जा सुनिए, युवाओं के अंदर ऊर्जा फूकने का काम और भ्रष्टाचार के खिलाफ गांधी जी के बाद आज राहुल गांधी जी कर रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा जो आपके कह रहे हैं कि जनरेटर राहुल गांधी हैं, तो चलाएंगे राहुल गांधी, बाकी अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी बने। क्या गांधी जी ने इस देश के लिए जो आंदोलन किए या उन्होंने सत्याग्रह किए उसके बाद क्या जवाहरलाल नेहरू जी या के कामराज जी हमारे जो अध्यक्ष थे उनसे लेके वहां तक, क्या हमारे वल्लभ भाई पटेल साहब या शास्त्री जी ये क्या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री नहीं बने? क्या गांधी जी ने आके प्रधानमंत्री बने थे क्या? गांधी जी उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए राहुल गांधी जी ने साफ बोल दिया कि मैं ना तो अध्यक्ष बनूंगा और ना ही मैं प्रधानमंत्री बनने का अपना जो है बिल्कुल समर्पित कार्यकर्ता अध्यक्ष बनाऊंगा, ऐसा है। जन आंदोलन करके मैं इस देश की जो समस्या है, जो युवा 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, युवा बेरोजगार है, उन युवा बेरोजगार युवाओं की आवाज लेके पैदल चलते हुए, पैदल यात्रा करते हुए, सत्य की राह पे चलते हुए, देश को जागरूकता की ओर ले जाते हुए जनता की आंखें खोलूंगा। अच्छा, 2 दिन में जब दिग्विजय सिंह ने अध्यक्ष बनने की बात कही या नामांकन फॉर्म लेने की बात सामने आई, तब कमलनाथ जी का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का जैसे ही नाम आया, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली उन्होंने और कहा कि मेरा वोट तो खड़गे को जाएगा। तो ऐसा वो पहले भी बोल सकते थे कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश से हैं तो हम मध्य प्रदेश से भी हमारा वोट जाएगा? देखिए, इस बात को माननीय कमलनाथ जी स्पष्ट कर चुके हैं कि फोन पे बात हुई, दिग्विजय सिंह जी से भी हुई, और चूंकि खड़गे जी कांग्रेस पार्टी में सबसे वरिष्ठ हैं, वरिष्ठता के हिसाब से उनको तवज्जो देते हुए उनके जो निष्ठा और उनकी जो पार्टी के प्रति उनकी जो आस्था है, आस्था को देखते हुए और उनका जो काम है, आप देखिए उनके कार्यकाल में एक भी कोई उन पे उंगली नहीं उठा सकता और निष्पक्ष काम करते हैं, उनके अंदर गुटिये दलिए इससे ऊपर उठ के वही कांग्रेस जो हमारा संगठन है उसके प्रति वफादार होते हुए उसके लिए कार्य करते हैं। ठीक बात। देवदत्त जी, एक और इसमें ट्विस्ट है, मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि SC कैटेगरी से आते हैं और ये ऐसा होगा कि बाबू जगजीवन राम जो थे उनके बाद ये जो अध्यक्ष बनेंगे तो शायद दूसरे ऐसे SC अध्यक्ष बनेंगे, ऐसी जो पुष्टि हुई है। तो क्या लगता है कि SC कार्ड भी कांग्रेस साथ साथ खेल रही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक माहौल बनाना चाहती है अनुसूचित जनजाति को लेकर, अनुसूचित जाति को लेकर, तो ये कांग्रेस की एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है या लिखी लिखाई स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है या फिर वास्तव में ये सब हो रहा है, ये वैसा है कि अप्रत्याशित, तो सब किसी को किसी की जानकारी नहीं? नहीं नहीं, सब राजनीतिक दल जो भी है वो सब प्लानिंग करते हैं अपनी, और इसमें जो कई बार अचानक से घटनाक्रम हो जाए, लेकिन तय होगा कि जिस तरह से राष्ट्रपति बनाया भाजपा ने आदिवासी वर्ग से, तो ये दलित वर्ग से अपना कांग्रेस अध्यक्ष बनाएंगे। तो ये वर्ग है जिनको दोनों दल अपनी तरफ करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, और मैं जो कह रहा हूँ दक्षिण में संभावनाएं उनको नजर आ रही है, क्योंकि उत्तर भारत में तो जहां तक है उनके पास मजबूत छत्रप नेता है, राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, और उत्तर प्रदेश में कहीं कुछ ऐसा होने जाने का भी है नहीं। तो दक्षिण में यदि संभावनाएं बनती तो उस इलाके से, खड़के बहुत पुराने नेता है और
तो ही एक तो जाति समीकरण और एक क्षेत्रीय समीकरण, दो समीकरण और थोड़ा वरिष्ठता भी ऐसी है, जैसे दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं तो आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं सकता, तो एक सर्वमान्यता भी बनेगी। ठीक बात, चलिए गीतधीर जी कुछ बोलेंगे लास्ट कमेंट। जी देखिए, पहले मेरे बड़े भाई ने जो बातें करी हैं निश्चित रूप से उन्होंने माननीय गृहमंत्री, छोटे में उत्तर दीजिएगा क्योंकि समय की बहुत कमी है। निश्चित रूप से नरोत्तम जी ने जो भविष्यवाणी करी थी दिग्विजय सिंह जी के लिए वो कारगर साबित हुई है, और दिग्विजय सिंह जी को कहीं ना कहीं उनकी पार्टी ने ही ले डूबे हैं, ये बात भी बिल्कुल साफ है, क्योंकि राष्ट्रीय चैनलों पे सब जरा उनका नाम चल रहा था, शशि थरूर जी और दिग्विजय सिंह जी का, अचानक से जो नया नाम सोनिया जी के कारण खड़ा हुआ है या राहुल जी के कारण खड़ा हुआ है ये तो मुझे नहीं जानकारी, लेकिन निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी को आगे पनपने नहीं दिया जाएगा, ये कांग्रेस का मत साफ दिखाई देता है। चलिए, आप तीनों मेहमान हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया गीतधीर जी, और बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ रजावत जी, और आपका भी बहुत शुक्रिया देवदत्त दुबे जी। तो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है उसमें हर पल नए ट्विस्ट और टर्न आते जा रहे हैं, पहले अशोक गहलोत, फिर दिग्विजय सिंह रेस में सबसे आगे दिखने के बाद भी दौड़ से बाहर हो गए, अध्यक्ष का दावा करने वाले प्रस्तावक बन गए मल्लिकार्जुन खड़गे के। तो अब देखेंगे कि अब क्या होता है, क्योंकि नॉमिनेशन हो गया, दो दावेदार मैदान में है या दमदार दावेदार मैदान में है, एक शशि थरूर और दूसरे मल्लिकार्जुन खड़गे, तो 51 साल बाद पार्टी को क्या एससी वर्ग का अध्यक्ष मिलेगा, और मिलेगा भी तो उसके लिए अभी कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो अब देखना होगा कि अभी नॉमिनेशन फॉर्म वापस लेने की तारीख निकल जाए तब जाके वोटिंग की नौबत आएगी। फिलहाल जोड़ तोड़ और उठापटक के बीच कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है, इस पर नजरें रहेंगी, लेकिन एजेंडा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।